गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे लेट अस डू द एक्टिविटीज। इन द एक्टिविटी अ कार्ड इज बीन गिवन एंड सम इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द कार्ड। सो लेट्स रीड द कार्ड केयरफुली एंड सी व्हाट आर द इंफॉर्मेशन गिवन एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज गिवन बिलो। ओके, so all of you look at the activities. International Dolls Museum, तो अंतर्राष्ट्रीय पुतलों की एक म्यूजियम है। इसका टाइमिंग है 10 AM to 6 PM, नो लंच ब्रेक। Okay, and this museum opens all days of the week except Monday and national holidays. So, ये म्यूजियम सप्ताह के 6 दिन खुलते हैं, मंडे और राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़ करके। और इसमें जाने के लिए क्या चार्जेस हैं वो देखते हैं। चार्जेस हैं अडल्ट्स, बड़े लोगों के लिए 50 रुपया प्रति व्यक्ति, और बच्चों के लिए 30 रुपीज प्रति व्यक्ति या प्रति बच्चे। ओके, और चिल्ड्रन बिलो 12 इयर्स फ्री, और 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए फ्री एंट्री दी जाती है। चिल्ड्रन इन ग्रुप ऑफ 20 and more rupees 20 per child। तो यदि बच्चे 20 के दल में या 20 बच्चों की दल जाती है तो उसमें एक बच्चे के प्रति 20 रुपीस चार्ज है। और ये म्यूजियम का टिकट काउंटर क्लोसेस एट 5:30 PM। ओके, तो टाइमिंग है 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, और बंद हो काउंटर बंद होने की समय है 5:30 बजे तक। ओके, अब इसके नीचे यस और नो में आंसर देने की कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं। ओके, तो ये बहुत आसान है, यू ऑल कैन डू इट बाय लुकिंग the information given in the card. Okay, so first number, Radha wants to visit on a Sunday with her parents. तो संडे को तो म्यूजियम खुला ही रहता है, इसलिए राधा अपने पेरेंट्स से उस दिन जा सकती है। तो पहला में हम यस डाल सकते हो। ओके, पहला में यस लिखोगे, ठीक है। और सेकेंड नंबर, शर्मा वांट्स टू सी द म्यूजियम आफ्टर अ फिल्म विच फिनिशेस एट 5:30 PM। ओके, फिनिशेस एट 5:30 PM। तो शर्मा पहले तो थिएटर में अपना फिल्म देखने जाती है, और फिल्म कितना बजे खत्म होती है, 5:30 बजे शाम को। और म्यूजियम कितना बजे तक खुला रहता है, म्यूजियम का काउंटर कितना बजे तक खुला रहता है, 5:30 बजे तक। तो क्या सलमा म्यूजियम में एंट्री करने के लिए टिकट ले सकती है या नहीं? नहीं ले सकती है, उसके फिल्म तो 5:30 बजे ख़त्म होती है, और उसके आने तक टिकट काउंटर या उसके पहुंचने तक टिकट काउंटर ऑलरेडी बंद हो चुकी होगी। ओके, तो शर्मा म्यूजियम में इंट्री नहीं कर सकती है। ओके, तो सेकंड नंबर में नो लिखोगे, ठीक है। और थर्ड नंबर, नीडो जिसकी उम्र 12 वर्ष है, वांट्स टू टेक हिज यंगर सिस्टर एंड हिज
कजिन, ओके, यंगर सिस्टर एंड हिज कजिन। नीडो 12 वर्ष की है, वह अपने अपनी छोटी बहन और अपनी कजिन को लेके जाना चाहती है, और उनके पास कितने रुपये हैं? 100 रुपये हैं, ओके, 100 रुपये हैं। तो 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके तो फ्री एंट्री है ना, पर इनके पास 100 रुपीज़ ऑलरेडी है, तो क्या ये बच्चे जा सकते हैं वहाँ पे, एंट्री ले सकते हैं या नहीं? हाँ, ले सकते हैं, ओके। तो थर्ड में लिखोगे यस, ओके। फिर फोर्थ नंबर है, रामास फादर अग्रीज टू टेक हिम एट लंच टाइम ऑन सैटरडे। रामा के जो पिताजी हैं वो रामा को उनके लंच ब्रेक में सैटरडे को म्यूजियम ले जाना चाहते हैं, ओके। तो यहां भी आप यस लिखेंगे। ओके, फोर्थ नंबर लुक एट, रामास फादर अग्रीज टू टेक हिम एट लंच टाइम ऑन सैटरडे। लंच टाइम ऑन सैटरडे, ओके। तो म्यूजियम में तो लंच ब्रेक नहीं है, ओके। तो यहाँ पे लिखोगे नो, है ना, नो लिखोगे, ठीक। फिर फिफ्थ नंबर, जैकब हैज कम फ्रॉम करनाल फॉर अ डे एंड वांट्स टू विजिट द म्यूजियम ऑन मंडे, ठीक है। मंडे को तो ऑलरेडी म्यूजियम बंद रहती है, ठीक है, तो मंडे को नहीं जा सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज नंबर ए हो गया, ओके, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर बी, ये बच्चों के ग्रुप बना करके डिस्कस करना है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, है ना। अगर सभी आमने सामने रहते तो हम ये कर सकते थे, पर उतना जरूरी अभी करने की नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, स्टडी दिस पिक्चर केयरफुली एंड राइट ए शॉर्ट स्टोरी अबाउट इट। तो एक्सरसाइज नंबर सी, लुक एट ऑल ऑफ यू, एक्सरसाइज नंबर सी, देयर इज अ चिल्ड्रन इन द प्ले ग्राउंड एंड दे आर जंपिंग शाउटिंग, ओके, ऑल द एक्टिविटीज दे आर डूइंग। सो यू मस्ट यू जस्ट ऑब्जर्व एंड सी केयरफुली what are the activities they are doing in the playground, okay, and after looking and observing carefully about this picture, then you have to create a short story by yourself, okay. I am not going to write and give you, but you yourself you have to write the story looking at this picture carefully, ओके, एंड सम हिंट्स आर बीइंग गिवन, व्हाट आर द थिंग्स यू मस्ट राइट इन योर स्टोरी, ओके। सो सम हिंट्स आर गिवन, लुक एट हियर, यू कैन यूज दिस क्वेश्चंस एज हिंट्स टू बिल्ड योर स्टोरी, ठीक। तो अपनी स्टोरी लिखने के लिए कुछ लाइनें नीचे दी गई हैं, इन लाइनों को आप अपनी स्टोरी में लिख सकते हैं और उनसे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला हिंट है, व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द प्लेइंग फील्ड। तो प्लेइंग फील्ड में क्या हो रहा है ना, ये एक हिंट है, तो आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। संभवतः ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, खेल रहे थे, ठीक है। फिर हिंट नंबर टू में है, व्हाट डू यू थिंक द गोलकीपर फॉट। तो
आप क्या देख रहे हैं? गोलकीपर क्या पकड़े होंगे अपने हाथ में? तो वो एक बच्चे ने बॉल को लात मारा, तो अब तो बॉल के साथ उसके जूते भी निकल आए, तो बॉल को ना पकड़ करके वो अपने हाथों में उस बच्चे के जूते पकड़ लिए, है ना। फिर नेक्स्ट हिंट है, डिड द ऑपोजिंग टीम स्कोर ए गोल? क्या इनके विरोधी टीम गोल किए थे या नहीं? वो आप गेस करके लिख सकते हैं, है ना, किए थे, कभी किए भी होंगे या नहीं भी किए हो सकते हैं। फिर फोर्थ नंबर, हाउ डिड द गोलकीपर फील आफ्टर द इंसिडेंट? आफ्टर द इंसिडेंट, जैसे कि ये गोलकीपर अपने हाथ में जूते को पकड़ लिया है, तो इस इंसिडेंट, इस घटना के बाद उसे कैसा फीलिंग हुआ, है ना, तो उसकी फीलिंग को खुद महसूस करके लिखना है, है ना, कि वो सैड फीलिंग किया, वो बॉल पकड़ने में चूक गया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर लास्ट हिंट है, हाउ डिड एवरीवन रिएक्ट? और सभी बच्चे किस प्लेग्राउंड में, जो बच्चे हैं वे बच्चे इस गोलकीपर को देख करके या अपने टीम की विजय या जीत होने के साथ वे क्या रिएक्ट किए, है ना, क्या प्रतिक्रिया किए, ये सबको आप अपनी स्टोरी में लिख सकते हैं। तो मैं ये एक्सरसाइज आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, आप लोग खुद से एक छोटे से या एक पैराग्राफ स्टोरी बना करके लिखिए और मुझे उसको करेक्शन करने के लिए भेजिए, क्योंकि मैं ये स्टोरी आप लोगों के लिए खुद आप लोगों के लिए लिख के नहीं दूंगा, पर आप लोग खुद लिखेंगे। ओके, सो ट्राई योर बेस्ट, यू ऑल कैन डू इट। ओके, सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।